बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमर सर फिजिक्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको आने वाली वीडियोज जो है वो बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। नंबर ए पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। सेकंड पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो इसको हम चार पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं जिनके साथ हर क्वेश्चन को जो है वो हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम इसमें इन्वर्शन मेथड जो है वो सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्रैमर रूल्स की मदद से करेंगे और इस तरह जो है वो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जस्ट जो है वो हमें इसका जो है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना स्टूडेंट्स हमें। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम इक्वल का साइन जो है वो यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन को थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ पर हम लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक 2x + 3y, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वल का साइन जो है वो इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, इसी वजह से इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे फर्ज करें कोई भी नंबर आ जाता है, ये हमारे पास 3। तो इस तरह का जो हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें हम इक्वल का साइन जो है वो यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपल तौर पर लीनियर इक्वेशन का नाम दे देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, इस तरह के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है, ये बिल्कुल उसी तरह से मिलती जुलती है। जिस तरह ये देखिए, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ax + b = 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है, ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल तौर पर जो है वो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब जो है वो स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन 2x - 2y = 4। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x + 2y = 6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए। लगभग तमाम बोर्ड्स के अंदर जो है वो इस एक्सरसाइज से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जो है वो हम सबसे पहले जो है वो इन्वर्शन मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे ये सीखते हैं ये क्या है इन्वर्शन मेथड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा तरीका है ये स्टूडेंट्स, जस्ट आपने अपने माइंड में रखना है इसको। तो यहाँ पर इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल फार्मूला ये हमारे पास है ax = b मैट्रिक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे एक्स की। ये बाद में स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्टेप बाई स्टेप इसको। तो यहाँ से ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो दोनों तरफ में स्टूडेंट्स इसके हम ए इनवर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स a * x = और ये स्टूडेंट्स हमें ए इनवर्स जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। तो स्टूडेंट्स हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी कि ए इनवर्स ए जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स a = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ये x = a इनवर्स b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स के केस में। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास x = a इनवर्स b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला आ जाता है जो कि हम एक्सरसाइज के अंदर जो है वो यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला और उसके बाद एक ये वाला फार्मूला है हमारे पास। तो
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये हम बनाएंगे इक्वेशंस की मदद से। इस तरह ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो होगा ये वेरिएबल मैट्रिक्स के लिए होगा, और इसी तरह ये बी मैट्रिक्स जो होगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशंस के अंदर जो कॉन्स्टेंट नंबर है उनके लिए ये मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन और इसका पार्ट नंबर है स्टूडेंट्स यहाँ पर वन। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे लिखते हैं पहले और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन पहली है इसके लिए 2x - 2y = 4, ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन है इसके लिए हमारे पास 3x + 2y = 6, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अभी जो फार्मूला हम पढ़ के आए हैं ax = b, तो इनकी मदद से स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे मैट्रिसेस तैयार करेंगे इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स ए, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स एक्स है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए जो है ये हम किस तरह तैयार करेंगे, ये इन इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे, तो इनकी मदद से हमारा मैट्रिक्स ए जो है ये रेडी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखें इक्वेशन वन, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, सिमिलरली वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ये वाला कौन सा नंबर है इसको बाद में हम डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास 3 और इसी तरह y का कोफिशिएंट है यहाँ पे हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा यू स्टूडेंट्स हमारे पास। और इसी तरह आप जो है यहाँ पे ये x जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ये इनके लिए मैट्रिक्स आएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y। इसी तरह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मैट्रिक्स बी की। तो मैट्रिक्स भी ये देखें स्टूडेंट्स जो इक्वेशंस के अंदर कॉन्स्टेंटली यूज हो रहे हैं इनकी मदद से ये वाला मैट्रिक्स जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें जो है वही वाला फार्मूला जो है वो जहन में रखना है जो हम अभी सीख चुके हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास x = a·1b। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अगर ये हम चीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हम एक्स और वाई की कीमतें जो है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर उसने मैट्रिसेस को यूज करते हुए पूछा है कि इन वेरिएबल्स की कीमतें बताएं आपके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके लिए हमें ए इनवर्स बी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट लेकर इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। और यू स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल वही वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन यूज करके फिर इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 * आ जाएगा यहाँ पे 2 और माइनस का साइन एज इट इज ही आएगा फार्मूले का, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 * आ जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो है वो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 × 2 = 4 और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाएगा 6 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगा 10 के जो कि नॉन जीरो नंबर है। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स इसका जो है वो हम एडजॉइंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था तो इसका हमें एडजॉइंट लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स पहले डायगोनल एंट्रीज की जगह जो है वो चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब 2 2 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2, ये भी 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज की हम साइन चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अब हमें इसका जो है वो इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए
डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास इनवर्स के लिए फार्मूला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी कीमतें जो है वो हम पुट करते हैं। ये देखिए एडजॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टू, ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा माइनस थ्री और ये आ जाएगा टू। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है टेन के बराबर। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अब हमें इसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा टू टू माइनस थ्री, ये आ जाएगा टू। और यू स्टूडेंट्स ये यहाँ पे टेन से डिवाइड किया हुआ है इसे। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी कौन सा स्टूडेंट्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर और ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास शर्त थी नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे टू रोज हैं, सॉरी टू कॉलम्स हैं ये फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकंड रो की अगर रोज चेक करें तो ये हमारे पास टू बन रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी जो है ये स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आ जाएगा, ये टेन को हम शुरू में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टेन। और यहाँ पे इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले टू को फोर से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा एट। सिमिलरली यहाँ पे टू को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ट्वेल्व। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का ट्वेल्व। और यहाँ पे सेकंड रो को जो सेकंड एंट्री है इसको सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये आ रहा है हमारे पास टू सिक्स आठ ट्वेल्व। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बराबर आ गए। अब यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे हम, तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टेन और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एट में ट्वेल्व ऐड करें तो ये आ जाएगा ट्वेंटी, जबकि ट्वेल्व में से ट्वेल्व सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा जीरो। और यूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास ये इसके बराबर आ जाएगा। हम मजीद यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको जो है वो टेन को अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा टू सॉरी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे टेन और ये आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय टेन। तो यूँ स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास टेन वन ज़ार टेन, टेन टू ज़ार ट्वेंटी, तो ये आ जाएगा टू के बराबर। और जीरो के बटन में स्टूडेंट्स कोई भी नंबर हो तो आंसर जो है वो जीरो के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स किस फार्मूले के अंदर इनकी कीमतें पुट करते हैं सबकी। यहाँ पे x की कीमत पुट करें, ये x किसके बराबर है स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यू कुछ एक्स वाई ए इनवर्स बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये इसके बराबर है हमारे पास टू और ये आ जाएगा जीरो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इनको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तभी होती है जब उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज बराबर हो और उनका ऑर्डर बराबर हो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो टू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट एंट्री के बराबर, सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री के बराबर आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो है ये टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके लिए सेकंड इक्वेशन है हमारे पास सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर टू। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे हम, यही वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी और यहाँ से हम जो है वो एक बनाएंगे स्टूडेंट्स इस तरह का। तो ये देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे जो भी इक्वेशन है उनके कोफिशियंट्स कलेक्ट करेंगे मैट्रिक्स ए की सूरत में, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास टू। इसी तरह वाई का कोफिशियंट यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी नंबर नहीं है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स वन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। इसी तरह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इक्वेशन से जो है वो कोफिशियंट कलेक्ट करें, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है सिक्स तो ये आ जाएगा सिक्स और वाई का कोफिशियंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइव, तो यहाँ पे हम फाइव ले लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह मैं करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको वाजिया तौर पर,
ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। ये देखिए यूं करके स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट बारी जो है वो वेरिएबल के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने, टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा वाई। इसी तरह स्टूडेंट्स अब एक कॉन्स्टेंट नंबर के लिए यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो ये देखिए ये हमारे पास इक्वल से दो होंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम इक्वल जो है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स थ्री और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वन के बराबर। तो यूं करके स्टूडेंट्स हमने जो है ये मैट्रिक्स बना लिया। अब ए मैट्रिक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बना लिया, यहाँ से किसके बराबर है ये स्टूडेंट्स, ये ए बराबर है यहाँ पे हमारे पास टू वन सिक्स फाइव। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास बी मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास थ्री वन के बराबर आ जाएगा। और वेरिएबल के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स वाई होगा। तो बिल्कुल वही काम करना है स्टूडेंट्स हमें, ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्टूडेंट्स याद रहे। इसको किसी और कलर से यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये ही स्टूडेंट्स हमें जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये वाला है, ये आ जाएगा टू, ये आ गया वन, ये सिक्स, ये फाइव। और यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे टेन। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस जो है ये यहाँ पे फार्मूले का, तो यहाँ पे सिक्स वन आर सिक्स, तो ये स्टूडेंट्स टेन में से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आ जाएगा फोर, विच मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, तो इसका इनवर्स जो है ये पॉसिबल हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का ही जो है वो हमें यहाँ पे एडजॉइंट लेना है, तो इनकी जगह जो है वो चेंज कर दें प्रिंसिपल डायगनल की, या सिंपल तौर पर अगर हम कहें डायगनल एंट्रीज, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फाइव और ये आ जाएगा टू। सिमिलरली जो है वो नॉन डायगनल एंट्रीज के साइन जो है वो हम चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स, इसी तरह ये आ जाएगा माइनस वन। तो ये स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट इसका ले लिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसके लिए फार्मूला क्या है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वही है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए ये इनकी वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा फाइव और यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास है माइनस वन और ये आ जाएगा माइनस सिक्स और ये स्टूडेंट्स हमारे पास टू। और यहाँ पे इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फोर। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स अब इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स के साथ, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मैं बी मैट्रिक्स के साथ जो है वो अब मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए इनवर्स, और यहाँ पे अब बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स ए इनवर्स वाला आएगा, तो ये हमारे पास है फाइव माइनस वन माइनस वन माइनस सिक्स और ये हमारे पास है टू, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे हम फोर से, और यहाँ पे अब आएगा हमारे पास मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पे हमारे पास थ्री और ये हमारे पास है वन। और यहाँ से स्टूडेंट्स अब इसको करेंगे मजीद हम सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं जो है वो सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ अब, और यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए का इनवर्स बी आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये फोर को जो है वो स्टूडेंट्स हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय फोर। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स अब इन एंट्रीज को जो है वो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं यहाँ पे टू हैं और नंबर ऑफ रोज जो हैं यहाँ पे ये हमारे पास टू हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा फिफ्टीन, इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वन। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स अब सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का सिक्स है और ये प्लस का थ्री है,
सिक्स थ्रीज आर 18 और यहाँ पे आएगा ये माइनस का 18, और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो इसको मजीद अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/4 एज इट इज ही आएगा, और 15 में से 1 माइनस कर दें स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 14, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे ये बच जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आप इसको मजीद जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर जो 4 है इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे अंदर वाले इंक्रीज के साथ, तो ये देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 4 को अंदर डिवाइड करिए, ये आ जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, और इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 16 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आप इसको मजीद जो है वो हम रिड्यूस करके देखते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, सिमिलरली ये देखिए स्टूडेंट्स 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली, फिर ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी था स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमने आंसर निकाल लिया ए इनवर्स बी के लिए। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे पुट करना है इनकी वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ये कुछ यू, ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास था फार्मूला ये वाला x इज इक्वल टू ए इनवर्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा x की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स अब x जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स ये था बराबर स्मॉल x और ये स्मॉल y, और ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये थी हमारे पास 7 और ये माइनस 4, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके यहाँ पे हमारे पास जो इनका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसको भी लिख लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगी 7 के, और इसी तरह y की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगी माइनस 4 के बराबर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट की, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4x plus 2y is equal to 8, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई स्टूडेंट्स हमारी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3x minus y is equal to -1, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये ड्रॉ करेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स इनके लिए, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, यहाँ पे हम लिख लेंगे मैट्रिक्स एक्स, और ये बराबर में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साथ साथ जो है वो आप भी सॉल्व कीजिएगा इसको स्टूडेंट्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छी तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशियंट्स जो है ये पहले कलेक्ट करें, ये आ जाएगा 4x स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका कोफिशियंट है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स तो किसी और कलर के साथ, तो ये मैं रेड कलर के साथ लिख रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4। इसी तरह वाई का कोफिशियंट है 2, तो ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली अब सेकंड इक्वेशन से कोफिशियंट कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशियंट है 3, तो ये आ जाएगा 3, और वाई का कोफिशियंट है -1, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे y के साथ स्टूडेंट्स कोई नंबर जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा। अभी इसके साथ जो है वो स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल वाला जो है वो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास 2, ये आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वाई, और ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें कौन सा नंबर से मिलेगा स्टूडेंट्स, जो इक्वल्स है दूसरी साइड पे होगा, यानी कि राइट हैंड साइड पर जो होगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 8, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट क्या करना होगा यहाँ से, ये बिल्कुल वही है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ये यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो है वो हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे पास है 4, ये आ जाएगा 2 3 -1, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले ये 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा यहाँ पे -4,
और यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूले का जो है वो माइनस आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 6। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 4 है या माइनस का 6 ऐड होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, ये आ जाएगा हमारे पास -10 के बराबर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, इट मीन्स इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो है वो इसका एडजॉइंट लेंगे, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको किसी और कलर से डिनोट कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारा, तो यहाँ पे इनकी जगह जो है वो डायगनल इंट्रीज पे चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 के बराबर। और नॉन डायगनल इंट्रीज के साइन चेंज करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 और इसी तरह ये वाला जो है स्टूडेंट्स हमारे पास -3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इसको इसका जो है वो एडजॉइंट भी ले। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो है वो हमें इनवर्स जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ए का इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बराबर किसके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। और यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं, अब ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आ जाएगा -1 -2 -3 और ये आ जाएगा 4। और यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है वो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी ये हमारे पास है -10 के बराबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा ए का इनवर्स और ये साथ में आएगा बी। और यहाँ से स्टूडेंट्स अब ए का इनवर्स जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास है -1 -2 और ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 4, डिवाइड कर देंगे इसको -10 के साथ, ये आ जाएगा -10। और बी मैट्रिक्स से यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये किसके बराबर है, ये हमारे पास 8 और ये आ जाएगा -1। और यहाँ से स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, ये -10 को शुरू में लिख लेंगे, ये आ जाएगा -1 / 10 और यहाँ से स्टूडेंट्स इन मैट्रिसेस को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये कंफर्मेबल है हमारे पास, पहले ये देखिए फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -8। सिमिलरली यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो -1 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में जो है वो प्लस हो जाते हैं और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा +2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से स्टूडेंट्स हम -3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा -24, तो ये आ जाएगा -24। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 के बाद। और यहाँ से स्टूडेंट्स अब करेंगे इनको सिंप्लीफाई, तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, ये आ जाएगा -1 / 10 और यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा ये हमारे पास ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे ये माइनस का 6 बच जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस का 24 है, ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस के 28 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। माइनस माइनस यहाँ पे होंगे ऐड, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ये -10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर -6 है, -6 को डिवाइड कर दिया -10 पर, और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर है -28 और ये माइनस का यहाँ पे हमारे पास 10। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको जो है वो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, इसको रिड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, ये देखिए 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6। सिमिलरली ये देखिए स्टूडेंट्स 2 5s are 10 और यहाँ पे 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो फाइनली इसका आंसर आ रहा है ये हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस भी स्टूडेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं इनके, तो ये भी आपको याद रखना। तो इस तरह करके ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 / 5 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 14 / 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स बी का जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब जो है वो फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स इज इक्वल टू था ये हमारे पास ए इनवर्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं वेरिएबल वाले मैट्रिक्स के, ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ से स्टूडेंट्स इनको कंपेयर करेंगे बिल्कुल उसी तरह, इसको इसके साथ और इसको जो है वो इसके साथ, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाएंगी कुछ यूँ। ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 5। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। यहाँ पे इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसकी 3x-2y = 6। 3x-2y = -6, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन है इसके लिए हमारे पास 5x-2y = -10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके लिए आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो है वो तैयार करेंगे यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक। ये आ जाएगा हमारे पास ए, ये आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा बी के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो है वो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे ए। तो मैट्रिक्स ए जो है वो किस तरह बनाएंगे, इन इक्वेशंस की मदद से। कोफिशियंट कलेक्ट कीजिए, 3 का यहाँ एक्स का कोफिशियंट है यहाँ पे 3, वाई का कोफिशियंट है -2। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशियंट है ये 5 है और वाई का कोफिशियंट है -2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स ए। इसी तरह स्टूडेंट्स अब जो है वो वेरिएबल के लिए ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बराबर। और यहाँ से अब जो है वो फाइनली हमें बी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स हम इक्वल से राइट साइड पर जो होगा वो वाले नंबर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास -6, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -10 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम यहीं पे जो है वो इनका डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे चेक करने के लिए कि इनका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3-2, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5-2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका अब डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स में ले रहा हूँ, ये देखें डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3-2 = 6, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा -6। और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये एक यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन जो है वो आएगा, लेकिन यहाँ पे देखें 2-5 = 10, ये माइनस का 10 है, और वो फार्मूला का जो है वो स्टूडेंट्स वो मिलके क्या हो जाएगा, -, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2-5 = 10 आ जाएगा। तो यूं करके स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 4। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है वो इसका एडजॉइंट भी ले लेते हैं साथ ही, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इनकी जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज कर दें, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 3, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की जो है वो स्टूडेंट्स हम साइन चेंज करते हैं, तो ये -2 जो है ये +2 हो जाएगा, और ये 5+ का है तो ये -5 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट भी है। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमें इसका इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसका इनवर्स आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट, यहाँ पे हमारे पास है -2, 2, ये -5, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पे इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको अब ए इनवर्स को बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ए इनवर्स का यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें मिला है, ये हमारे पास है -2, ये आ जाएगा 2-5, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3, डिवाइड कर देंगे इसको 4 के साथ। और यहाँ से स्टूडेंट्स अब बी मैट्रिक्स लेंगे, बी मैट्रिक्स जो है ये वाला हमारे पास है, ये -6, और ये आ जाएगा -10, और ये स्टूडेंट्स अब जो है वो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये 4 को जो है वो स्टूडेंट्स हम शुरू में लिख लेते हैं, ये शुरू में आ गए, और बाकी जो है वो मैट्रिक्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये कंफर्म है पहले मल्टीप्लीकेशन के लिए।
तो फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस टू, ये स्टूडेंट हमारे पास, और ये माइनस का सिक्स है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएंगे, तो ये टू को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर ट्वेल्व आ जाएगा, तो ये आ गया ट्वेल्व। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर टू को माइनस टेन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आप सेकंड रो को जो है वो कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का फाइव है, ये माइनस का सिक्स है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फाइव सिक्स आर थर्टी। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का थर्टी। और यूं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई फोर, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी है, ये प्लस का ट्वेल्व है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एट, और ये थर्टी में से थर्टी सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर जो है ये जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यूं जो है ये हमारे पास यहाँ पे इसको मजीद हम जो है वो स्टूडेंट्स फोर को अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस एट। हम देखते हैं फोर वन जार फोर, फोर टू जार एट, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का टू, और ये जीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर जीरो। तो यूं करके स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ये ए इनवर्स बी जो है ये माइनस टू और जीरो के बराबर आ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम उस फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनली जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स बी का हमारे पास आंसर आ गया था यहाँ पे माइनस टू, और ये आ जाएगा जीरो। और ये स्टूडेंट्स कंपेयर करने से हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, वो भी लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है, फिर यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ से वाई की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी फिर जीरो के बराबर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर फोर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट फाइव, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पर, इसके लिए इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन नंबर वन। और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके लिए सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास है माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन, ये स्टूडेंट्स किसके बराबर है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर टू। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मैट्रिक्स जो है वो हम रेडी करेंगे, पहले ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा मैट्रिक्स बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए मैट्रिक्स ए तैयार करते हैं पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशियंट जो है ये थ्री है, वाई का कोफिशियंट यहाँ पे टू सॉरी माइनस टू, और इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन यहाँ पर देखिए तो एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस सिक्स, और यहाँ पे देखिए वाई का कोफिशियंट क्या है प्लस का फोर, और साथ में इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के लिए जो है मैट्रिक्स, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ये एक्स और वाई, और यहाँ पे अब जो है वो स्टूडेंट्स हमें बी मैट्रिक्स रेडी करना है, तो ये इक्वल से राइट साइड पर जो होंगे नंबर्स ये रहेंगे इसके लिए, ये हमारे पास है फोर, और इसी तरह स्टूडेंट्स ये नंबर है हमारे पास सेवन, तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ से मैट्रिक्स जो है वो रेडी कर लिए। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो है वो हमें डिटर्मिनेंट जो है वो चेक कर लेना है, सॉरी ये मैट्रिक्स ए के लिए स्टूडेंट्स हमें चेक, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको भी लिख लेते हैं, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे थ्री माइनस टू, और ये स्टूडेंट्स माइनस सिक्स, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें थ्री फोर आर ट्वेल्व, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व के बराबर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूले का माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स सिक्स टू आर ट्वेल्व, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अब ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का ट्वेल्व आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अब ये ट्वेल्व में से हम ट्वेल्व माइनस कर देंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है जीरो, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास जीरो के बराबर आ गया, जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो है वो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, तो ये स्टूडेंट्स हम यहीं पर क्वेश्चन जो है ये छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका इनवर्स ही नहीं पॉसिबल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर वन का जो है सिक्स पार्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए
पार्ट नंबर सिक्स है यहाँ पे हमारे पास, ये स्टूडेंट्स इसको पार्ट सिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट सिक्स में इक्वेशंस है 4x plus y is equal to 9, ये आ जाएगा 4x plus y is equal to 9, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन है इसके लिए -3x minus y is equal to, ये स्टूडेंट्स हमारे पास -5 के बराबर, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ से स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से जो है वो मैट्रिक्स रेडी करेंगे, पहले ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए, और ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी आ जाएगा इक्वल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आप इसको रेडी कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है यहाँ से हम रेडी करने जा रहे हैं। ये पहले कोफिशियंट कलेक्ट करें, एक्स का कोफिशियंट है ये 4, तो ये 4 आ जाएगा। वाई का कोफिशियंट, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशियंट है -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। और यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या स्टूडेंट्स हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे वेरिएबल के लिए आ जाएगा ये हमारे पास मैट्रिक्स x, और ये आ जाएगा y। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे डी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे इक्वल से राइट साइड पर जो नंबर है ये लेंगे, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा -5 के बराबर स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स हमने मैट्रिसेस जो है वो रेडी कर लिए। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं, आगे इनवर्स चेक कर सकें कि इसका पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो है वो डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4, 1, -3, और ये -1। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अब जो है वो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है यहाँ पे -4। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स माइनस का जो है वो फार्मूले का आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे -3। और यहाँ पे जो माइनस होगा स्टूडेंट्स वो -, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो यहाँ पे इसका हम एडजॉइंट जो है वो लेंगे, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए स्टूडेंट्स डायगनल इंट्रीज की जगह चेंज करें, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा हमारे पास 4। और नॉन डायगनल के जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -1, और ये देखें स्टूडेंट्स ये प्लस का -3 है, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसको इसका एडजॉइंट जो है वो ले लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू -1, -1, और ये हमारे पास है 3, 4, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे -1 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -1 को स्टूडेंट्स जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये -1 है ये +1 हो जाएगा, ये भी -1 है ये भी +1 हो जाएगा। ये देखिए +3 है तो ये -3 हो जाएगा, और ये +4 है ये -4 हो जाएगा। ये तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका जो है वो इनवर्स ए को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स के साथ। तो ये यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये आ जाएगा हमारे पास ए का इनवर्स जो है वो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, 1, -3, और ये है हमारे पास -4। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब बी मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 9, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे -5। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास इसके लिए। तो ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 को पहली रो को जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 9 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। इसी तरह 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा -5। इसी तरह -3 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 9 27, लेकिन माइनस का साइन इसके साथ 3 के, ये आ जाएगा -27। इसी तरह माइनस
फोर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस का आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 20। तो यूं करके स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस का 20 है। 7 है स्टूडेंट्स, ये प्लस का 20 है, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये स्टूडेंट्स अब जो है वो फाइनली हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं इस फार्मूले में, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास की वैल्यू ऑफ वेरिएबल की यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई, और यहाँ पे इनका ये वाली वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 7, और यूं स्टूडेंट्स हमारे पास इनके लिए कंपेयर करके यहाँ इक्वल मैट्रिक्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 7 के बराबर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 7। इसके लिए इक्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा पार्ट 7। तो ये स्टूडेंट्स इसके लिए इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हम लिखते हैं, ये हमारे पास है माइनस 5 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रेडी करते हैं पहले इनके मैट्रिसेस A, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आप इन इक्वेशंस की मदद से जो है वो मैट्रिक्स तैयार कीजिए। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है 2, यह आ जाएगा 2, वाई का कोफिशियंट है माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है माइनस 5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 5, और वाई का कोफिशियंट यहाँ पे माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है वो हम वेरिएबल लिखेंगे, ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इक्वल से जो राइट साइड पे नंबर है ये हमारे पास मैट्रिक्स बी के बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इनके लिए जो है वो मैट्रिक्स रेडी कर ली। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो है वो स्टूडेंट्स हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर जो है वो इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये बराबर किसके है, ये हमारे पास है 2 माइनस 2 और ये आ जाएगा माइनस 5। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4। इसी तरह माइनस का फार्मूले का आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये माइनस 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस जो है वो अब एज इट इज ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, और माइनस का 4 है स्टूडेंट्स ये माइनस का 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 14 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ये नॉन जीरो है, तो इसका इनवर्स जो है पॉसिबल है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है वो इसका एडजॉइंट भी साथ ही ले लेते हैं, ये आ जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 और ये माइनस 2 है, इनकी जगह चेंज कर दें, ये आ जाएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा 2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इनके साइन चेंज कर दें नॉन डायगोनल इंक्रीज के, ये माइनस का 2 था या प्लस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 5 है ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो है वो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका इनवर्स ए का इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे बराबर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, ये आ जाएगा एडजॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2, ये आ जाएगा 2, इसी तरह ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट के साथ, डिटर्मिनेंट है यहाँ पे माइनस 14, और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इनका इनवर्स को ए के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ए इनवर्स मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस 2 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 2, ये हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 5 और ये आ जाएगा अगेन 2, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम माइनस 14 से, ये आ जाएगा माइनस 14, और नेक्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारे पास बी और ये किसके बराबर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4
-10। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो अब इनको फाइनली हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये -14 को स्टूडेंट्स हम अलग से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -14। और यहाँ पे मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंफर्मेबल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -20। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20, तो ये आ जाएगा 20। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -10 से, तो ये आंसर आ जाएगा -20। और यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर आ जाएगा ये मैट्रिक्स -1 डिवाइडेड बाय 14। और यहाँ पे स्टूडेंट्स -8 है, ये -20 है, तो ये -8 आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 28। और इसी तरह ये 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब फाइनली जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें उस फार्मूले के अंदर जो है वो इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स एक्स जो है ये बराबर था एक्स, और ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स ए इनवर्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा यहाँ पे 14 -14 को अंदर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा -28, और यहाँ पे आ जाएगा -14। और यू स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स 14 वन्स आर 14, 14 टूज आर 28, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स का आंसर जो है ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये एक्स कह रहा हूँ, ये ए इनवर्स बी का आंसर है स्टूडेंट्स, ये ए इनवर्स बी का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी, ये बराबर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है वो ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, और यहाँ से कंपेयर करके इनकी वैल्यूज जो है वो निकालेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 के, जबकि वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आखिरी पार्ट है, पार्ट 8। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके लिए इक्वेशंस देखते हैं कौन सी है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x-4y = 4, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास x+2y = 8, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर मैट्रिसेस जो है वो पहले यहाँ पर इसके लिए तैयार करते हैं, ये आ जाएगा एक्स, सॉरी ये आ जाएगा ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशंस की मदद से रेडी करते हैं इनको, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट कलेक्ट करें, ये आ जाएगा 3, एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है -4, तो ये आ जाएगा -4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह वाई का कोफिशिएंट है ये 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स से जो है ये रेडी है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल के लिए आएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है हमारे पास एक्स, और ये आ जाएगा वाई, और यहाँ से स्टूडेंट्स अब इक्वल से राइट साइड पर जो हमारे पास नंबर होंगे ये हमारा बी मैट्रिक्स होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4, और इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 8। तो ये स्टूडेंट्स हमने मैट्रिसेस जो है वो रेडी कर ली। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का जो है वो यहीं पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का आ जाएगा हमारे पास 3 -4 1 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ओपन कीजिए इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 3 2 6। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ माइनस है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो माइनस हमारे पास फार्मूले का ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, और यूं स्टूडेंट्स हमारे पास ये बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट 10 के बराबर, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इसका जो है वो एडजॉइंट भी ले लेते हैं साथ ही, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा
डायगनल इंक्रीज की जगह चेंज करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा थ्री, और नॉन डायगनल इंक्रीज के साइन चेंज करें तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये माइनस का फोर है तो ये प्लस का फोर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये प्लस का वन है तो ये माइनस का वन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखिए ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब ए का इनवर्स स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए का इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आप इनकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज आ जाएगी, एडजॉइंट की यहाँ पे आ जाएगा टू, ये आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा माइनस वन, और ये हमारे पास आ जाएगा थ्री, और यहाँ पे डिटरमिनेंट से डिवाइड कीजिए ये हमारे पास है टेन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ए इनवर्स बी को जो है यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू ये हमारे पास टू फोर माइनस वन और ये आ जाएगा थ्री, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको टेन से डिवाइड कर देंगे, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा, बी मैट्रिक्स है यहाँ पे हमारे पास फोर एट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइनली जो है वो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये टेन को स्टूडेंट्स हम पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टेन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए टू फोर आर एट, तो ये आ जाएगा हमारे पास एट। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर को मल्टीप्लाई करें एट से, तो ये आ जाएगा फोर एट आर थर्टी टू, तो ये आ जाएगा थर्टी टू। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई फोर, तो ये आ जाएगा माइनस का फोर आ जाएगा। इसी तरह थ्री को एट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टेन, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास थर्टी टू में एट को ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा फोर्टी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर में से फोर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद जो है वो हम हल करते हैं, ये आ जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टेन को अंदर डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स इनके साथ, तो ये आ जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाय टेन, और यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है, ये देखिए टेन वन आर टेन, टेन फोर आर फोर्टी, टेन वन आर टेन, टेन टू आर ट्वेंटी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसके लिए, ये आ जाएगा ए इनवर्स बी के लिए स्टूडेंट्स, ए इनवर्स बी के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी फोर, और ये आ जाएगी टू। और यहाँ से स्टूडेंट्स अब हमारे पास फार्मूला जो था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं अब हम, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फोर, और ये आ जाएगा टू। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी वो फाइनली आएंगी कंपेयर करके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी फोर, जबकि y की वैल्यू हो जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी टू के बराबर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपसे एक आधी बात जो है यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर तो ये दो तीन तरीके से आता है। एक तरीका तो ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि वो आपको ये इक्वेशंस दे देगा और कहेगा कि इसको इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करें, या फिर स्टूडेंट्स आपको जो है वो क्रैमर रूल का जो है वो कह देता है। तो ये दो तरीके हैं, और तीसरा जो है वो स्टूडेंट्स जस्ट आपको वो इक्वेशन दे के कह देता है कि सॉल्व द इक्वेशंस। तो फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो दो ऑप्शन हैं कि आप किसी भी तरीके से जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स अब आपने ये मेरा लेक्चर जो है वो सर्च करना है, तो किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9, और आगे जो है वो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल का नाम लिख दीजिएगा उमर सर फिजिक्स, तो स्टूडेंट्स आपको ये वाले लेक्चर्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। अभी तो स्टूडेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो स्टूडेंट्स इस तरह करके आपने जो है वो सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जिस तरह की ये मेरा लेक्चर पहले अपलोड हुआ है 1.5 कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर जो है वो अपलोड की हुई है, ये भी बहुत बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी आप जब सर्च करेंगे तो आपको मेरा ये वाला लेक्चर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वाला लेक्चर जो है मेरा पसंद आया होगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा फिर से आते रहोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।